गाइस वैसे तो दुनिया में रहस्यमय खबरों की कोई कमी नहीं है, पूरी दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है, पर कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिनको समझ पाना असंभव ही लगता है। आज हम आपको एक ऐसी ही आश्चर्यजनक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। जिस रहस्य के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं वो जापान के हिरोशिमा से जुड़ा है। दरअसल हिरोशिमा शहर की एक जगह पर इंसान जैसी दिखने वाली परछाई पिछले 75 सालों से सबके लिए रहस्य बनी हुई है। इस परछाई को द हिरोशिमा स्टेप शैडो या शैडो ऑफ हिरोशिमा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु हमला किया था तो इस जबरदस्त धमाके ने यहां कई लोगों की जान ले ली थी। ये विध्वंसक घटना 6 अगस्त 1945 को घटी थी। इस दौरान ये अजीबोगरीब परछाई धमाके वाली जगह से 850 फीट की दूरी पर थी जहां कोई व्यक्ति बैठा हुआ था। इस बारे में यहां एक किस्सा बड़ा ही मशहूर है कि परमाणु बम ने भले ही उस व्यक्ति को पूरी तरह मिटा दिया लेकिन उसकी परछाई मौजूद रह गई। गाइस हालांकि इस परछाई की हकीकत क्या है इस बारे में कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। इस वास्तविकता की कभी पहचान नहीं की जा सकती। आखिर परछाई में दिख रहा व्यक्ति कौन था जो वहां पर बैठा हुआ था? एक अनुमान के मुताबिक हिरोशिमा परमाणु विस्फोट में लगभग 1,40,000 लोग की मौत हो गई थी, जबकि बाद में परमाणु विकिरण संबंधी बीमारियों की वजह से कई हजारों लोगों की मौत हुई थी।